हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो मैं हो गया हूँ रेडी लाइब्रेरी जाने के लिए। तो आज इन दिनों बाद जा रहा हूँ लाइब्रेरी, तो आपको मिलेंगे हम लाइब्रेरी में। बहुत टाइम बाद मैं आ गया हूँ लाइब्रेरी में और हमेशा की तरह यहाँ पर चल रहा है शोरगुल कंस्ट्रक्शन का काम। चलो अभी मेरे को ये खाना निकालना है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं। चलो अभी लग सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर। ओह भाई साहब, तो भाई कम से कम भी 5 या 6 दिन बाद भाई से मिल रहे हम। बोल ये शिकायत कर रहा है कि सुबह सुबह मैं घूमने के लिए नहीं आया। 8 बजे उठा था मैं आज। नहीं, घर पर पूछ रहे ना, मैं 8 बजे उठा था। आज 9 बजे उठता हूँ, पर आज 8 बजे उठा था। और तू बता कैसा है भाई? मैंने तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली यार। ज़रा मेरी स्कूटी लेके आराम से चलाइए भाई, तेल कमी है। नहीं यार, भूल गया मैं हेलमेट। देख लियो तुम लोग। 5 बज गए हैं और आयुष लेके गया था स्कूटी, और रास्ते में हो गई स्कूटी खराब। पता नहीं कब तक आएगा वो। तब तक भाई इस दुकान में वेट कर रहे हैं हम, क्या करें। लाइब्रेरी से बाहर आ गए हैं। बताओ, उसका मेरे के जाने के टाइम पर उसकी स्कूटी खराब हुई है, मतलब मेरी स्कूटी खराब हुई है। 5 बज गए हैं, वो बंदा आया नहीं अभी तक यार। कब आएगा आयुष और कब हम जाएंगे घर? करीबन 20 मिनट हो गए मैं इसको वेट करते हुए। फाइनली मैंने बिस्किट ले लिया है और अब वो खा रहा हूँ। और अब देखेंगे, और जब आएंगे तभी जाया जाएगा। टेंशन लेने से तो वो जल्दी आएंगे नहीं, इसलिए बैठ गए अंकल की शॉप पर। उनकी शॉप की भी ध्यान रख रहे हैं, साथ साथ बिस्किट भी खा रहे हैं और आयुष का वेट भी कर रहे हैं। बस वो आ जाए जल्दी ताकि ऐसा। तो भाई साहब, आयुष ने कहा था कि मठ पे आ जाओ, मठ पे आ गए हूँ, लेकिन वही दिख ही नहीं रहे वो लोग। शायद आगे होंगे, तो आगे जा रहा हूँ मैं थोड़ा। तो इस वक्त मैं झुंझुनू के हाईवे पर हूँ और उन दोनों को देख रहा हूँ कि वो कहाँ है। काफ़ी देर हो गई मेरे को चलते हुए, लेकिन वे दोनों दिख ही नहीं रहे। अब मठ चौराहा बताया था, तो मठ चौराहा तो मैं आ गया हूँ। उसके आसपास भी, उससे कम से कम भी मैं 100-200 मीटर थोड़ा अच्छा खासा चल लिया हूँ, और यहाँ से भी मेरे को दूर दूर तक नहीं दिख रहे। बैंड बज गई भाई, पहले दिन ही लाइब्रेरी है और पहले दिन ही ऐसा चीज़ हो रही है, बताओ। काफ़ी देर चलने के बाद दोनों दिख ही गए मेरे को। चलो आपको भी दिखाते हैं कहाँ है दोनों। ये दोनों के दोनों भाई मठ से कम भी 300-400 मीटर दूर है। इसकी भी स्कूटी खराब हो गई, मेरी भी स्कूटी खराब हो गई। देख सकते हैं इस बंदे को यार। क्या है यार, क्या क्यों लेके गए थे तुम लोग भाई? आराम से प्यार से चलाओगे ना, एकदम प्यार से चलेगी भाई। ये दिल्ली तक चलेगी, लेकिन तुम ऐसे रसली ड्राइव करोगे तो कैसे चलेगी? रफली, सॉरी। ये तो जाएगा ब्लॉग में भाई। गाइस, ये 2 शख्स मेरी स्कूटी को स्टार्ट करते हुए परेशान हो रहे हैं। एक वो भी गाड़ी। घर पहुंच गया हूँ। स्कूटी फिरोज भाई को दे दी है, वो ठीक कर देंगे। अब जैसा भी है वो कर देंगे स्कूटी। और आज का दिन बड़ा ही अजीब सा गया, मतलब कुछ चीज़ें हुई, कभी कुछ कभी कुछ, पर जो भी है घर पहुंच गए सही सलामत, अच्छी बात ये है। तो आज का लोग यहीं पर एंड होता है। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।